बाबा आप नॉनवेज खा रहे हो? क्या वेज नहीं है? थी? हमारे देश के लोग किसी पर यकीन करें या ना करें, लेकिन बाबा और मौलवी पर पूरी श्रद्धा से यकीन करते हैं, और इसीलिए हर महीने भारत में कोई ना कोई नया बाबा या मौलवी पैदा हो ही जाता है, जो जनता को ठग कर या तो जेल जाता है या फिर यूं ही अपनी जिंदगी के मजे लेता है। इन मौलवी और बाबाओं की गंदी हरकतें देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी। दिन में बाबा के रूप में लोगों को ठग कर रात में लड़कियों के साथ बिस्तर गर्म करते हैं, फिर क्या हुआ जब ऐसे ही एक बाबा को होटल में लड़कियों के साथ रंग रलियां बनाते हुए पुलिस ने पकड़ा। जानेंगे वीडियो में। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आसाराम बापू का नाम ना जानता हो, क्योंकि एक समय इन्हें एक संत के रूप में देखा जाता था, लेकिन बाद में इनके ऊपर हत्या, लूटपाट, दूसरों की जमीन हड़पने और लड़कियों के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया, और जिसमें ये दोषी भी पाए गए। बताया तो ये तक जाता है कि ये तीनों समय में अलग अलग उम्र की लड़कियों के साथ संबंध बनाते थे, और जब इसके साथ वाले लोगों से सीबीआई द्वारा सख्ती से पूछताछ की गई, तब उन्होंने आसाराम का सारा काला चिट्ठा खोल दिया, जिसे सुनकर सीबीआई अफसरों के भी होश उड़ गए। मामले की जाँच के बाद आसाराम को सजा हो गई, और तब से ही वो जेल की हवा खा रहा है, और इनका बेटा भी कोई दूध का धुला नहीं है। नारायण साईं पर भी काले धन को छुपाने का आरोप लगाया गया, और आलम तो ये है कि इसकी अपनी बीवी ने भी इस पर कई आरोप लगाए, जिनमें से सबसे बड़ा आरोप यह है कि नारायण साईं के कई महिलाओं से न सिर्फ अनैतिक संबंध है, बल्कि उनके साथ इसके कई बच्चे भी हैं, और वो कोई साधु संत नहीं बल्कि एक नंबर का अय्याश है, और फिलहाल ये सूरत की जेल में अपने इन काले कारनामों की सजा काट रहा है। अब इस मौलवी को देखिए। आमिर नाम के इस मौलाना की खासियत ये है कि इसे अपने से छोटे उम्र की लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, जिनके साथ ये हवस शांत करने के लिए रात भर बिस्तर गर्म करते हैं। ये पेशे से मौलवी के अलावा एक शिक्षक भी हैं, जो अपने अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए अब तक 4 शादियां कर चुके हैं, और इन शादियों का एज डिफरेंस इतना ज्यादा है कि उसे जानकर आपको भी शॉक लग जाएगा। मौलाना आमिर के मुताबिक, पहली बीवी मुझसे 5 साल छोटी थी, दूसरी बीवी मुझसे 10 साल छोटी थी, तीसरी बीवी मुझसे 15 साल छोटी थी, चौथी 20 साल छोटी है, और इसके बाद इस बाबा का नाम है श्रीमद सारथी देव, जो कि उड़ीसा में सारथी बाबा के नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन इसके काले कारनामों की सारी पोल एक लोकल न्यूज चैनल ने खोल दी, जिसने दावा किया कि खुद को धर्म गुरु बताने वाला ये व्यक्ति धर्म की आड़ में लोगों को लूट रहा है। उसी चैनल के रिपोर्टर ने इस बाबा को हैदराबाद के लग्जरी होटल में एक 20 साल की लड़की के साथ बिस्तर गर्म करते पकड़ा। उसके बाद पुलिस पर इस बाबा को गिरफ्तार करने का दबाव बना, और देखते ही देखते लड़कियों के साथ डांस करने वाला ये हवसी बाबा एक क्रिमिनल बन गया। गुरमीत राम रहीम, इनको तो आप सब लोग जानते ही हैं, जो अपनी भक्ति से नहीं बल्कि लाइफस्टाइल के कारण ज्यादा जाने जाते हैं। इसका मेन इलाका पंजाब और हरियाणा था, जहां के लोगों को तो इसने लूटा ही है, और यहां की लड़कियां तक को नहीं छोड़ा। बताया जाता है कि जो भी खूबसूरत लड़की राम रहीम को पसंद आती थी, या उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ता था। इस सब के अलावा राम रहीम पर ये भी आरोप है कि इसने सिरमा वाले अपने आश्रम में एक छोटी सी सेना भी तैयार कर रखी थी, जो तब काम आती थी जब पुलिस इसे पकड़ने आती। कोर्ट द्वारा इनको कई बार नोटिस भी भेजा गया, मगर ये वहाँ नहीं पहुँचे, जिसके बाद पुलिस को ही इन्हें उठाने आना पड़ा। हालांकि जब पुलिस इन्हें लेने आई, तब इनके समर्थकों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसमें दूसरे समर्थक कम और गुप्त में बनाई गई पर्सनल सेना के लोग ज्यादा थे, जिसको देखते हुए पुलिस को इन्हें एक स्पेशल हेलीकॉप्टर में ले जाना पड़ा। और तब से ही डेरा सच्चा सौदा का करता धरता राम रहीम 20 सालों के लिए जेल में बंद हो गया। और इस बाबा के बारे में क्या ही बताएं? दरअसल स्वामी नित्यानंद एक ऐसा ढोंगी बाबा है, जिसकी काली करतूते जानकर खुद पुलिस भी अपने होश खो बैठती है। एक बार इस बाबा की एक कैमरा रिकॉर्डिंग लीक हो गई, जिसमें एक सस्ती सी एक्ट्रेस स्वामी नित्यानंद के ऊपर थी, और ये उसके नीचे, जिसको देखकर पूरा दक्षिण भारत की लोग इस बाबा को मारने पर उतर आए, और फिर देखते ही देखते एक के बाद एक करके यौन शोषण के मामले इस बाबा पर लगते रहे, जिनके मद्देनजर बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन जल्द ही बाबा को जमानत भी मिल गई। इस सब के बाद नित्यानंद के मौके का फायदा उठाया और वो नेपाल चला गया, जहां से ये फ्लाइट के जरिए इक्वाडोर पहुंच गया। बलात्कार के दोषी इस बाबा के इस सात समंदर पार भाग जाने के चलते पुलिस न सिर्फ हैरान हुई, बल्कि उसे लोगों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा। संत रामपाल की बात करें तो शायद ही आप यकीन कर पाओगे कि ये एक समय पर हरियाणा के सिंचाई विभाग में सरकारी नौकरी किया करते थे, लेकिन वहां इनका
मन नहीं लगा, जिसके बाद इन्होंने ना सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना शुरू किया बल्कि धीरे धीरे ये बाबाओं के संपर्क में आने लगे, जिसके बाद ऐसा भी समय आया जब ये खुद ही बाबा बन गए। साल 1994 में इन्होंने अपने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और हरियाणा के रोहतक में अपना खुद का आश्रम खोला, जहाँ पर शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन असली मुश्किल तो तब हुई जब इन्होंने धर्म को ही धंधा बना लिया। इनका ये धार्मिक धंधा रफ्तार पकड़ता गया और इन्होंने हरियाणा की कई अलग अलग जगहों पर अपने आश्रम खोल दिए। 2006 में संत रामपाल ने आर्य समाज के कुछ धार्मिक ग्रंथों की निंदा की, जिसके बाद आर्य समाज के समर्थकों ने इनका आश्रम बंद कराने की कोशिश की, जिसमें इनके समर्थन और आर्य समाज के लोग आपस में भिड़ गए और इसी झड़प में आर्य समाज का एक सोनू नाम का शख्स मारा गया, जिसके बाद इस बाबा पर केस दायर किया गया। जांच के दौरान पता चला कि बाबा का आश्रम भी फर्जी है, लेकिन अधिकारियों के सपोर्ट की वजह से वो इन केसों से बरी हो गया। इस समस्या से निपटने के बाद 2013 और 2014 में 7 लोग आश्रम से 2 बच्चे और 4 महिलाओं की लाश बरामद हुई, जिसके बाद संत रामपाल पर हत्या और बंधक बनाए जाने के लिए केस दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद 11 अक्टूबर 2018 को इसे कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और तब से लेकर आज तक ये उम्र कैद की सजा के तहत जेल की हवा खा रहा है। धन्यवाद।